VS Code. यस तो किसी को कोई इश्यू है? VS Code में नहीं, सेटअप में कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो आज अपन एक बार गिट और देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज अगेन समथिंग इम्पोर्टेंट पार्ट। जो भी फर्दर असाइनमेंट होंगे वो आप गिट पे अपलोड करोगे, तो कोई भी एक अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो एक गिट का आइडिया दे देता हूँ। ऑल्दो दैट इज नॉट इन कोर्स, बट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द गिट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये तुम्हारा सिस्टम है, तुमने यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट का सारा सोर्स कोड तुम्हारे सिस्टम पे ही है। अब तुम्हें उसका बैकअप लेना है, तो बैकअप लेने के लिए तुम क्या करते हो, सोर्स कोड को जिप बनाते हो, जिप बनाने के बाद डाल देते हो, दो तीन जगह स्टोर कर देते हो, जिससे अगर यहाँ से डिलीट हो जाए तो वहां से मिल जाए, वहां से डिलीट हो जाए तो किसी और जगह से मिल जाए। ठीक है, अगर से एन एग्जांपल तुम्हारा जो कोड है वो कंटिन्यूएशन डेवलपमेंट में है, जैसे कि आज मैंने एक फीचर बोला, तुमने उस फीचर पे काम किया, कल एक फीचर बोला, फिर फीचर पे काम किया, फिर कुछ बोला बनाने के लिए तो बनाना है। अब मैं तुमसे बोलूंगी रोजीना इसका बैकअप लेना है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका रोजीना बैकअप लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोड को डुप्लीकेट करना पड़ेगा और उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है तुम्हारी स्पेस वगैरह बढ़ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ ये सोचो कि बाय चांस तुम्हारा सिस्टम पूरा करप्ट हो जाए, तो तुम्हें पूरा का पूरा फॉर्मेट मारना पड़ेगा, तुम्हारा जो सोर्स कोड था वो गायब हो जाएगा, देयर इज नो वे टू रिट्राइव दैट थिंग। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, कोड वर्जनिंग टूल यूज करते हैं। तो गिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोड वर्जनिंग टूल। ठीक है, तो अब गिट को कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपका एक गिट अकाउंट होना चाहिए, तो क्रोम पे जाइए और ओपन करिए गिट। क्रोम पे गिट ओपन करिए। हेलो, यस सर, क्रोम पे जाके गिट ओपन करिए। अच्छा, खुल रहा है, ठीक है, ये आपका गिट है, तो इस पे एक साइन अप कर लीजिए। इसमें पर्सनल आईडी डाल दीजिए,
funny though. ये तुम्हारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या? हाँ सर। तो लॉगिन करो फिर। ठीक है, तो जिसका अकाउंट बना हुआ है वो बना लेना, जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो जिसका अकाउंट नहीं बना वो बना लेना, और जिसका अकाउंट बना हुआ है तो वो लॉगिन कर लेना इन केस अगर पासवर्ड अवेयर हो। नीचे पता नहीं क्या है, सफेद सफेद। ठीक है, तो अब अपन एक यहाँ पे रिपोजिटरी क्लोन करेंगे। तो देखो प्लस आइकन आ रहा है तुम्हारे ऊपर ही ऊपर बैल के पास, इसको क्लिक करो, न्यू रिपोजिटरी, नाम दे देना अपेक्स सेशन, अपेक्स हाइफन सेशन। हाइफन माइनस है सर, सेशन। ठीक है, इसको अपन पब्लिक ही बनाएंगे, आप प्राइवेट भी बना सकते हो लेकिन प्राइवेट लिमिटेड है तो पब्लिक ही बनाएंगे। नीचे दोनों को चेक कर दो और ऐड गिट इग्नोर फाइल, बस। अब ये क्या बोल रहा है, क्रिएट करो, क्रिएट करने के लिए ऊपर से गिट इग्नोर फाइल को सेलेक्ट करो, टेम्पलेट आया ना, इसमें टेम्पलेट में डाल लो, कुछ जावा डाल लो, ठीक है। अपन ने यहाँ पे रेपो बना दिया, अब अपन इसको इस जो भी अपन कोड करेंगे अब इसके अंदर अपन पुश करेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना है वो बता दो। तो ये अपने
रिपोजिटरी का कोड आ रहा है ना, कोड वाला ग्रीन बटन, उस पर क्लिक करो, इसको कॉपी करो यूआरएल को, ठीक है। अब तुम्हारा जो कल सेटअप किया था प्रोजेक्ट, वहां जाओ, फोल्डर में, फोल्डर में माय कंप्यूटर से, खोलो वो कॉन्फ्रेंस फोल्डर, इसको भी खोलो, यहाँ पे लिखो, राइट क्लिक करके सीएमडी ओपन करो, गिट खोलो, गिट बैशियर, यहाँ पे लिखो गिट क्लोन और पेस्ट कर दो, स्पेस पेस्ट कर दो, राइट माउस का राइट बटन दबा दो, एंटर, ठीक है, रिफ्रेश करो उसको, गिटिंग नोर फाइल आई क्या, या फोल्डर बना गया कोई, या अपेक्स सेशन फोल्डर बना ना, इसको ओपन करो, कंट्रोल ए कंट्रोल सारा कॉपी करके कट कर लो, वापिस बाहर आओ, पेस्ट कर दो, रिप्लेस कर दो, मूव एंड रिप्लेस, ऊपर वाला फर्स्ट वाला कर दो, अब अपेक्स सेशन फोल्डर को डिलीट मार दो, अब आप वीएस कोड खोल लो, अब रिफ्रेश करो, रिफ्रेश उधर से, यहां से नहीं, ये हटाओ इसको, ऊपर देखो ये SFDS प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, उस पर माउस लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वो आ रहा है ना, फाइल के नीचे देखो एक गिट का आइकन आ रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड SFDS प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां लिस्ट ऑफ आ रहे हैं पूरी ओपन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वहां पर जहां से एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं उस जगह, हां अब देखो ऊपर थोड़ा सा ऊपर आओ, और थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा सा हाँ, साइड में आओ, साइड में आओ, इस पे क्लिक कर दो एक बार, और कर, यहां से रिफ्रेश होता है, ये रिफ्रेश होएगा ना, यहां से रिफ्रेश होता है, अब उस पे 60 जो आ रहा है ना आइकन के ऊपर 60 लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करो, लेफ्ट में बिल्कुल, नहीं नहीं उधर जाओ, वापस लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में 60 लिखा हुआ आ रहा है, 60 नंबर लिखा हुआ आ रहा है आइकन के ऊपर, सर माउस काम नहीं, अच्छा अच्छा
ये सारी की सारी जो फाइल्स है अपनी, वो फाइल्स है अपनी जो ट्रैक नहीं है। अब एक खाली एक यूजर फाइल उठाओ, ऊपर से यूजर वाला ना, उसको सेलेक्ट करो, प्लस कर दो उसको, अब ओपन कर रहे हैं इस फाइल को कमिट सेल्सफोर्स वो गिट के ऊपर। ठीक है, ऊपर आ जाओ, स्क्रॉल अप कर दो। ठीक है, अब ऊपर देखो वो साइन आ रहा है राइट का, बिल्कुल ऊपर। हाँ, क्लिक करो, मैसेज डाल दो, फर्स्ट कमिट। एंटर मार दो। ठीक है, ये अपन ने कमिट कर दी। अब अपन इसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो पुश करने के लिए वो खोलो, कंट्रोल और टिल्ट की, वन के बगल वाली की दबाओ। हाँ, टर्मिनल पे जाओ, नीचे देखो टर्मिनल खुला हुआ है ना, जहां पे अपन आउटपुट वगैरह देखते हैं। टर्मिनल पे जाओ। हाँ, यहाँ पे लिखो गिट पुश ओरिजिन मास्टर। PUSH ORIJIN GGGIN ORIGIN गल वाला जी आई एन। हाँ, और PUSH स्पेलिंग से करो पुश की। PUSH हाँ, एंटर मारो लास्ट में। ये बोल रहा है failed such some reps to http as git galaxy। सबसे पहले करो git pull, ये माइनस कर दो सारा, git pull करो। PULL अब दोबारा करना गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओरिजिन ज्यादा तो नहीं है, देखो एक ही स्पेस होना चाहिए। गिट पुश ओरिजिन कर दो, मास्टर हटा दो। मारो, हटा दो, एंटर मार दो। ठीक है, अब तुम्हारे उस पे जाओ गिट पे, रिफ्रेश करो। तो ये तुम्हारी फाइल देखो आ गई है यूजर की। ठीक है, ये क्लियर है सबको? कमिट का मीनिंग क्या रहता है? कमिट का मीनिंग ये होता है कि सपोज करो कि तुमने तुम्हारी फाइल के अंदर कुछ चेंज किया। ठीक है, अब चेंज करने के बाद तुमने बोला कि ये फाइनल चेंज है, तो तुमने क्या करना है, उसको स्टेज करके कमिट करना है। कमिट का मतलब वो है कि अब वो तुम्हारे सिस्टम, लोकल सिस्टम के अंदर कमिट हो चुका है।
अब तुम उस फाइल को डिलीट भी मार दोगे तो वो तुम्हारी जो कमिटेड फाइल है ना वो वापस आ जाएगी. ओके उसके अलावा आगे समझ ये प्रोसेस ठीक है. तो ये अपन ने क्या किया, गिट क्लोन करके गिट पुश कर दिया. अब अपन क्या करते हैं, रेपोजिटरी से अपने उस पे कैसे डेटा लेते हैं. तो देखो यहाँ पे पेंसिल का आइकन आ रहा है, उस पे क्लिक करो. कुछ भी वैल्यू डाल दो, एक इधर नहीं फाइल के अंदर. कुछ भी चेंज कर दो, क्रिएटेड बाय को क्रिएटेड वन कर दो या लास्ट में जाके तुम्हारा नाम लिख दो नीचे. एक्टिवेटेड बाय वन. अब इसको सेव कर दो, कमिट चेंज कर दो. डायरेक्ट बटन दबा दो ग्रीन वाला. ठीक है, अब नीचे आ जाओ अपने वीएस कोड पे. यहाँ पे सर्च करो, यूजर फाइल ओपन करो. खाली ये जो खुली हुई है ना उसको बंद कर दो. यूजर्स क्लास अनलॉक खुला हुआ ना उसको बंद कर दो ऊपर से. अब खाली यूजर फाइल खोलो, कंट्रोल ई. यूजर सर्च करो .cls, कैपिटल यू टाइप करना है एक बार. फाइल पे जाना, ऊपर देखो फाइल का आइकन आ रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड, इस पे क्लिक करो. इस पे रिफ्रेश करो सबको. अब कंट्रोल ही करो, बाहर जाके यूजर सर्च करो. अभी तो फाइल की थी, यूजर ही थी ना, देखना. इस लोकेशन पे जाओ, वहां से लोकेशन पे जाओ, गिट पे जाओ, ये खोलो .sfdx टूल एस ऑब्जेक्ट खोलो, वीएस कोड पे आ जाओ. ऊपर देखो .sfdx का फोल्डर बना हुआ है, इसको ओपन करो. टूल एस ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, है, खोलो. स्टैंड यहाँ पे देखो यूजर्स होगा, वो रहा यूजर्स. अब इसमें एक्टिवेटेड बाय सर्च करो पहले कंट्रोल एफ करके. उधर एक्टिवेटेड बाय वन, एक्टिवेटेड ACTIVATED. एंटर मारो, लिखो एक्टिवेटेड ACTIVATED. ईडी यहाँ पे अभी क्या है, एक्टिवेटेड बाय ये. ठीक है, अब
नीचे टर्मिनल पे लिखो गिट पुल, ठीक है। अब देखो एक्टिवेटेड वाइब बना गया। तो अगर अपना सोर्स कोड तुम्हारे अलावा कोई दूसरा बंदा चेंज कर रहा है और उसने चेंजेस तुम्हारे रेपोजिटरी में डाल दिए और वो चेंजेस तुम्हें लेना है, तो तुम ऐसे चेंजेस ले सकते हो। ये चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक गिट प्रोसेस है, इसमें अपन कोड को सेव करने के काम में लेता है। तो ये सबको आना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी ना कभी तुम्हें ये यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं जो भी असाइनमेंट दूंगा तुम्हें क्या करना है, वो असाइनमेंट करना है एक गिटहब रिपोजिटरी बनानी है, और उस रिपोजिटरी के अंदर वो किया वो असाइनमेंट हमेशा डालना पड़ेगा। ठीक है? Yes. तो अब क्या करना है, तुम्हारा पहला टारगेट ये है कि कल मुझको सारे के सारे गिटहब का जो लिंक होता है वो लिंक दे दोगे। वो कैसे दोगे वो बताता हूँ। गिटहब पे जाओ, ये इस पे अपेक्स सेशन पे कॉपी करो, वो क्लिक करो, ऊपर देखो अपेक्स सेशन वाला फोल्डर आ रहा है ना, हाँ इस पे क्लिक करो, ये यूआरएल दो, चैट में पेस्ट कर दो। चैट में पेस्ट कर दो। अभी नहीं होगा। अरे हो जाएगा, वो देखो ये आ रहा है ना चैट का ऑप्शन आ रहा होगा तुम्हारे, माउस लेके जाओ, तीन तीन डॉट के ऊपर आएगा वो, मैं हाई करूंगी। आ गया, कर दिया। अब कोई भी एक बंदा इस लिंक को खोलो और मुझे कंफर्म करके बताओ कि वो विजिबल हो रही है फाइल और रिपोजिटरी या नहीं। हो रही है नहीं हो रही विजिबल? Yes, हो रही है। तो तुम्हें एक रेपोजिटरी बनानी है सबको, किस नाम से बनाओगे? ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। और वो ट्रेनिंग सेशन की रिपोजिटरी हमें राकेश सर को मेल कर दे, वो कलेक्ट करके मेल कर देना। सो इन फ्यूचर जो भी असाइनमेंट होंगे हम असाइनमेंट वहीं से ट्रैक करेंगे, ठीक है? तो ये अपना सेटअप हो गया। अब आ जाओ सेल्स फोर्स ऑक पे, आ जाओ सेल्स फोर्स ऑक खोलो वहीं से, वीएस कोड से। अब एक चीज और बताता हूँ मैं, टर्मिनल पे जाना, क्लियर करो टर्मिनल को, सीएलएस पहले वो हटाओ सारा। टर्मिनल पे जाओ, यहाँ पे लिखो SFDX स्पेस फोर्स FORSE फोर्स कैसे FORCE कॉलन लगाओ, कॉलन
कॉलर होता है ना, हाँ org colon open open space minus r एंटर मारो, इसको नीचे वाले को कैंसिल कर दो। ठीक है, टर्मिनल पे जाओ। अब ये यूआरएल आया है, ये यूआरएल है ना, इस यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट कर दो चैट इंजन। अब इस यूआरएल को कोई भी एक्सेस करो और देखो कि ये और एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोई भी इस यूआरएल को एक्सेस करो और बताओ कि आप ओपन कर भी पा रहे हो या एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यस सर, एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो विदाउट शेयरिंग एनी क्रेडेंशियल अपन ऑर्ग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो टोकन है ये एक घंटे के लिए ही एलिजिबल है, एक घंटे के बाद ही ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये चीज सबको क्लियर है। राकेश सर, हाँ सर, सर एक बार आप डेवलपर कंसोल का है ना छोटा सा वो डेमो दे दो। सर डेवलपर कंसोल का ऑलरेडी दे चुके हैं अपन, दे चुके हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, और एक चीज और बता दो इनको, जो डेवलपर कंसोल के अलावा अपन अपेक्स क्लास बनाते हैं ना सेटअप से, हाँ वो वाला दे दो। सर सेटअप से मतलब डेवलपर कंसोल से बनाने वाला वो, या फिर जो इंटरनल सेटअप से बनाते हैं वो? इंटरनल सेटअप। ठीक है सर, मैं एक बार सेल्सफोर्स पे जाना। यहाँ पे लिखो अपेक्स क्लास, यहाँ पे अपने पास देखो ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं बटन्स पर। एक तो आ रहा है डेवलपर कंसोल ओपन करने के लिए, एक न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए, एक जनरेट फॉर्म विजिटल, एक रन ओल्ड टेस्ट और एक शेड्यूल अपेक्स। ठीक है, पांचों बटन का, जिसमें से डेवलपर कंसोल आपको पता है कि जब आप क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर कंसोल ओपन होगा। उसके बाद न्यू पे, आप जब यहाँ न्यू पे क्लिक करते हो तो आपके डेवलपर क्लास, आप नई अपेक्स क्लास बना सकते हो। यहाँ पे जनरेट फॉर्म विजिटल, ये आप आगे पढ़ोगे। जनरेट फॉर्म विजिटल क्या होता है कि जब भी कोई इंटीग्रेशन के लिए अपन काम करते हो, अपने पास विजिटल फाइल आती है। जैसे किसी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन पे अपने को सेल्सफोर्स को कनेक्ट करना है तो वो अपने को एक विजिटल फाइल देंगे, उस विजिटल फाइल को अपन यहाँ पे डालेंगे। सॉरी मतलब थर्ड पार्टी को अपने सेल्सफोर्स से कनेक्ट करना है तो सेल्सफोर्स में अपन एक कुछ लॉजिक्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन के लिए मेथड लिखेंगे, और उस मेथड की अपन विजिटल फाइल जनरेट करके थर्ड पार्टी को देंगे तो उस विजिटल के थ्रू अपने सेल्सफोर्स से वो कम्युनिकेट करेगी। समझ लो जनरेट फॉर्म विजिटल क्या बताया मैंने। रन ऑल टेस्ट में सारे आपके और भी जितने भी टेस्ट क्लासेस सारी ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, और शेड्यूल अपेक्स में जब आप आगे पढ़ोगे बैच एंड शेड्यूल, तो वहां पे कि अपनी क्लास को अपन कैसे शेड्यूल करते हैं जो रेगुलरली टाइम इंटरवल पे चलती है। ठीक है, yes. ये पांच बटन है ना, और एक सेकंड में टॉपिक देख लो क्या क्या हो गया। दीपक सर ने कहां तक बता दिया, कितना बाकी रह गया।
ठीक है। दीपक साहब कॉल में हो गया। हेलो आई थिंक दीपक सर के गए। तो आप एक असाइनमेंट कर लो फिर। दीपक सर ने जो कल असाइनमेंट दिया अपेक्स क्लास वाला हो गया था कंप्लीट आपका? हेलो। यस सर। और अभी तक कुछ डाउट है आप तो वो डाउट कन्फर्म कर लो। नया सेशन फिर मंडे को देखेंगे अपन। मंडे को थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे क्योंकि मंडे को ऐसे भी छुट्टी है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस ठीक है, आपके अगर कोई डाउट है तो आप वो क्लियर कर लो, बाकी मंडे को सेशन कर लेंगे फिर अपना। ओके सर। है किसी को कुछ क्वेरी? ठीक सब मंडे को ही पूछेंगे क्योंकि मैंने अभी टास्क किए नहीं है। हाँ, मंडे के टाइम एक्चुअली क्या है कि मैं महेंद्र को अपडेट कर दूंगा। महेंद्र आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर देगा किस टाइम पे अपना क्लास लेंगे, लेकिन जब भी करूंगा 3-4 घंटे पहले आपको अपडेट करूंगा उसके लिए, है ना? ओके वो कोई सर। इशू नहीं है। ठीक है ठीक है। तो फिर है ना, वो क्या कि मेरी भी एक मीटिंग चालू हो गई 8:25 पर नई वाली, इसलिए ओके सर। ओके। थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।